हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज खेला जाने वाला दूसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन के बारे में। बात करेंगे दोनों ही टीमों की टीम न्यूज और क्या हो सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 और दोनों ही टीमों के रिसेंट परफॉर्मेंस के अनुसार बनाएंगे अपनी एक ड्रीम 11 की टीम। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात कर लेते हैं मैच डिटेल्स की, तो आप मैच डिटेल यहाँ से देख सकते हैं जो कि गुयाना में मैच ये भी खेला जाएगा। बात कर लेते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से टीम न्यूज़ की, तो पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल कोई टीम न्यूज़ नहीं है। वही ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से सोफिया मोलिनेक्स के खेलने के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं क्योंकि पिछले वार्म अप मैच में भी खेलते हुए नहीं दिखी थी। बात कर लेते हैं वेन्यू में स्कोरिंग पैटर्न की, तो एवरेज स्कोर इस पिच का 140 रहा है फर्स्ट इनिंग का, वही दूसरे इनिंग का 57 रहा है दूसरे इस इनिंग का स्कोर। वही बात कर लेते हैं हाईएस्ट टोटल का इस पिच का, तो 191 रहा है 5 विकेट पे इंग्लैंड की तरफ से, और वही लोएस्ट टोटल इस मैच में 68 रहा है 10 विकेट पे आयरलैंड की तरफ से। वही बात कर लेते हैं हाईएस्ट चेज का, तो 139 8 विकेट पे चेज हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से। वही लोएस्ट डिफेंड यहाँ पर 84 रन डिफेंड हुआ है जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के मैच की तरफ से। वही बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से एम लांगविंग, एलिसा एली, बेथ मुनी, निकोला केरी, जेस जॉनसन, एलिसा पेरी, देलिसा केमचन, तालिया बेलमिक, रिचल हाइनस, एलिसा विलानी, मेगान स्कट आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आ सकती है। वहीं पाकिस्तान वुमेन की बात करें तो अमीना अनवर, अलीजा रियाज, आयशा जफर, जबेरिया खान, नाहिदा खान, नसरा संधू, नतीला परवेज, नाहिदा दार, उमाना सोहेल, सना मीर, सदीरा नवाज आपको इस मैच में खेलती हुई नजर आ सकती है। बात कर लेते हैं क्या होगी ड्रीम 11 की टीम इस मुकाबले के लिए, तो यहाँ पे मैंने अपने ड्रीम 11 की टीम बना रखी है इस मुकाबले के लिए, तो चलिए दिखा देता हूँ आपको। तो विकेट कीपिंग ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिल जाते हैं सदीरा नवाज और एलिसा हेली की। सदीरा नवाज नीचे बैटिंग करने आती है और एलिसा अली ओपनिंग करने आती है, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है और काफ़ी अच्छा बैटिंग करती है एलिसा अली। ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन की भी काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है, तो मेरे हिसाब से स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग आप बिल्कुल ही एलिसा अली के साथ जा सकते हैं। आप अगर ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो सदीरा नवाज के साथ जा सकते हैं, लेकिन एलिसा अली आपके लिए सबसे अच्छी पिक होगी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों ही के लिए। बात करें बैटिंग के, यहाँ से मैंने एम लांगविंग को पिक नहीं किया, ये भी काफ़ी अच्छी बैट्समैन है क्योंकि ये नीचे बैटिंग करने आती है और इस मैच में जहाँ तक मेरे अनुमान के अनुसार ज़्यादा विकेट नहीं गिरेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन की, और ऊपरी क्रम के ही बल्लेबाज को ही आप ज़्यादा पिक करने का कोशिश करें इस मैच में क्योंकि विकेट कम गिरेगी T20 है। तो यहाँ से मैंने बेथ मुनी को मैंने अपनी टीम में पिक किया है, जबेरिया खान को इस मैच में पिक किया है और रिचल हाइनस को पिक किया है। वही पाकिस्तान वुमेन की तरफ से बिस्मा मरूफ को इस टीम में पिक किया है। आप चाहे तो बिल्कुल यहाँ से निकोल बुलेटिन के साथ जा सकते हैं, आयशा जफर भी आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है, सदीरा अमीन भी आपके लिए काफ़ी अच्छी पिक हो सकती है और अमीनिया सोहेल भी आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ सकती है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पिक हो सकती है। वही बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, तो यहाँ से मैंने तीनों बेस्ट ऑलराउंडर एलिसा पेरी, सना मीर और एलेक्स गार्डनर को अपनी टीम में पिक किया है। आप चाहें तो यहाँ से पाकिस्तान वुमेन की तरफ से नाहिदा दार को भी पिक कर सकते हैं, सना मीर को छोड़ के आप यहाँ से निदादार के भी साथ बिल्कुल जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी ऑलराउंडर है। वही सोफिया मोलिनेक्स थोड़ा सा रिस्की है तो इसलिए मैंने इन्हें अपनी टीम में पिक नहीं किया है, आप चाहे तो बिल्कुल ही रिस्क ले सकते हैं और टीम में अपनी पिक कर सकते हैं। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो बॉलिंग सेक्शन में मैंने मेगान स्कट जो कि काफ़ी शानदार बॉलिंग करती है ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से और हर मैच में विकेट निकाल लेती है, और ये वुमेन की टी20 में काफ़ी अच्छी बॉलर मानी जाती है और वर्ल्ड रैंकिंग में भी वुमेन में काफ़ी शानदार रैंकिंग है इनकी। वही बात करें नसारा संधू की, तो नसारा संधू भी काफ़ी अच्छी बॉलर है पाकिस्तान की तरफ से। वही बात करें जेस जॉनसन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है क्योंकि यहाँ पे जॉर्जिया बेरामन थोड़ी सी रिस्की हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे जेस जॉनसन को पिक किया। आप चाहे तो बिल्कुल इसे पिक कर सकते हैं, दिलसा कैम्सन भी इस मैच को खेलेंगे लेकिन थोड़ी सी रिस्की है तो इसलिए मैंने इन्हें टीम में पिक नहीं किया, आप चाहे तो बिल्कुल ही इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आपके एलिसा हेली भी एक चॉइस हो सकती है, आप बिल्कुल ही एलिसा हेली के साथ जा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं। और बात करते हैं वाइस कैप्टन के लिए, तो यहाँ से आप बेथ मुनी के साथ जा सकते हैं, पर मैंने यहाँ से एलिसा गार्डनर को कैप्टन बनाया है और बेथ मुनी को वाइस कैप्टन बनाया है। एलेक्स गार्डनर काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है जो आपको विकेट और भी लेके दे सकती है और रन बना के भी दे सकती है, इसलिए मैंने एलेक्स गार्डनर को कैप्टन बनाया और वहीं से
बैथ मोनी को वाइस कैप्टन बनाया, आप बिल्कुल ही अलीसा अली के साथ जा सकते हैं। देख लेते हैं टीम प्रीव्यू। तो ये टीम रहेगी हमारी दूसरे मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन की T20 वर्ल्ड कप में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।